हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग वैद्युत विभव का लेक्चर फर्स्ट अटेंड किए थे। इस क्लास में हम लोग लेक्चर सेकेंड पर चर्चा करेंगे। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग वैद्युत विद्रोह के कारण विद्युत विभव में सबसे पहला हेडिंग लगाएंगे अच्छी स्थिति। अच्छी स्थिति में हम लोग ज्ञात करेंगे कि वैद्युत विभव का मान क्या होता है। ठीक है, हेडिंग लगा लेंगे आप लोग अच्छी स्थिति में ज्ञात करेंगे हम लोग वैद्युत विभव, जिसके कारण वैद्युत विद्रोह के कारण। ठीक है, हेडिंग लगा लेंगे। ठीक है, यहां पे हम लोग क्या बनाएंगे, द्विध्रुव बनाएंगे। चल बताइए वैद्युत विद्रोह होता क्या है। सर आपने ये बताया था कि दो समान परंतु विपरीत आवेश को यदि अत्यंत अल्प दूरी पर रखें तो जो व्यवस्था बनकर तैयार होगी उस व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं वैद्युत विद्रोह। ठीक, हाँ सर ने तो यही बताया था। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, यदि ये पॉइंट ए लिख लेते हैं और ये पॉइंट बी, चलिए माइनस को हमने लिख लिया। तो हम क्या कर रहे हैं, दो समान परंतु विपरीत आवेश, समान भी होने चाहिए और विपरीत भी होने चाहिए। देखिए हमने क्यों क्यों लिया, लेकिन इसका माइनस चिन्ह लिया और इसका प्लस लिया। ठीक, समझ आ रहा है। और इसके मध्य बिंदु में हमने ओ ले लिया और इसकी दूरी बताई गई होगी कि ये एल होता है तो ये भी एल होता है। हाँ सर, आपने यही बताया था, तीव्रता जब पढ़ा रहे थे। अच्छी बात है, चलिए यहां तक तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। अब सर ने क्या बताया था, वहां पे बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु P ले लेते हैं। चलिए ये बिंदु P भी ले लिया। सर आप अब बिंदु P पर ही क्या निकालना है, विभव निकालना है। बहुत अच्छे, चलिए हम बिंदु P पर क्या निकालते हैं, विभव निकालते हैं। देखिए अब यहाँ पर कहानी कैसे लिखी, कहानी पहले लिखते हैं क्योंकि हम लोग अच्छे बच्चे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कहानी से। तो कहानी में क्या लिखेंगे, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिसका मध्य बिंदु ओ है, जिसका मध्य बिंदु ओ है, बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर, बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, कोई बिंदु पी है जहां हमें विभव प्राप्त करना है, जहां पर हमें विभव प्राप्त करना है। अतः यह हुई कहानी पूरी। अब आते हैं आगे, अतः यहां पे आप क्या लिखेंगे। ठीक, प्लस क्योंकि कारण, प्लस क्योंकि कारण, ये प्लस क्योंकि कारण बिंदु पी पर विभव। देखिए प्लस क्योंकि कारण यदि बिंदु पी पर विभव फाइंड करेंगे तो कितना होगा, पहले ये बताइए ये वाली दूरी कितनी होगी। सर ये एल है तो ये कितना बचेगा, सर ये एल हटा देंगे तो आर माइनस एल बचेगा। तो क्या लिखेंगे, वी वन बराबर वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई कितना प्लस है तो प्लस लिखा, डिस्टेंस कितना बचेगा आर माइनस एल। बहुत अच्छे हैं आप लोग, बहुत समझदार है। हो गया, वी वन बराबर वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर माइनस एल और इसको बना लेंगे समीकरण नंबर एक। चलिए ये तो हो गया, अब क्या करेंगे, अब माइनस क्यू को लेंगे। इसी प्रकार माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव, पता है माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव क्या लिखेंगे। अब ये बताइए यहां से लेकर यहां तक दूरी, क्योंकि ये आर है और ये एल है तो टोटल यहां से यहां तक आर प्लस है। तो यहां पर वी टू बराबर बताइए क्या लिखा जाएगा, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चिन्ह सहित रखना है तो यहां पर रख दीजिए माइनस क्यू बाई आर प्लस एल। अब बताइए इसको क्या लिख सकते हैं और अच्छे से बना करके। ठीक, या इसको लिख सकते हैं वी टू बराबर माइनस वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर प्लस एल समीकरण नंबर दो। ठीक, चलिए ये भी हो गया, हमने इसको समीकरण नंबर दो बना लिया। अब आप क्या राय देंगे,
अब हमें बिंदु P पर नेट विभव ज्ञात करना है। बताइए बिंदु P पर नेट विभव कैसे फाइंड करेंगे? बोलिए सर, चूंकि ये अदिश राशि है, विभव कैसी राशि है? अदिश राशि है, तो दोनों को डायरेक्टली क्या करिए? जोड़ दीजिए। दोनों को हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो अब इसके बाद लिखते हैं, अतः बिंदु P पर नेट विभव, देखिए नेट विभव कितना है, बिंदु P पर नेट विभव निकालते हैं, देखिए कितना आएगा। भी नेट बराबर क्या लिखेंगे? भी वन प्लस भी टू, भी वन प्लस भी टू। अब बताइए भी वन का मान कितना है? भी नेट बराबर वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर माइनस आर, ठीक यही है। भी टू बराबर देखिए माइनस है तो माइनस लगा दो, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई कितना है आर प्लस आर, सही है। चलो ये भी हमने कर लिया, अब क्या करें सर? अब क्या करें? अब देखिए यहां पे जो वैल्यू कॉमन दिखाई दे रही है उससे पहले कॉमन लीजिए, पहले याद नोट करिए, बात बहुत करते हैं सर, याद हो गया? चलिए ये मिटा दें, ठीक। अब क्या करें बोलिए? देखिए अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, भी नेट बराबर जो भी कॉमन वैल्यू उसको बाहर ले लेते, तो क्यों भाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, अब अंदर देखिए क्या बचा, 1 बाई आर माइनस एल माइनस 1 बाई आर प्लस एल, ब्रैकेट बंद एल। अब एलसीएम लेकर के इसे सॉल्व करते हैं, तो भी नेट बराबर देखिए अब क्या होगा, क्यों भाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू अंदर आर प्लस एल माइनस का माइनस आर और ये प्लस एल डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सर सही है। बोलिए आर से आर मिला, हाँ ये भी सही है, अभी भी संतुष्ट हैं हम, क्यों भाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसको और अच्छे से व्यवस्थित कर लो, ये वन बाय करो और यहाँ पर देखिए एल प्लस एल टू एल और यहाँ पर क्यू है, तो टोटल मिलकर क्या हो जाएगा 2 क्यू एल डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, चूंकि आर बहुत बड़ा है एल से, देखिए जब कोई राशि बहुत बड़ी होती है तब उसे हम लोग छोटी राशि को नगण्य मान करके छोड़ देते हैं, तो यहां पर आर की तुलना में एल क्या है? बहुत छोटा। आर की तुलना में एल क्या है? बहुत छोटा। जब बहुत छोटा है तो बहुत छोटे लोग को हम लोग वैसे भी ध्यान नहीं देते हैं, है कि नहीं, हम लोग इंटेलिजेंट वाइड है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जल को छोड़ देंगे, तो यहां पे क्या लिखेंगे, या भी नेट बराबर, भी नेट बराबर क्या होगा, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू टू क्यू एल बाई आर स्क्वायर, ठीक। अब क्या करें, आइए अब इस साइड आते हैं, ये हो गया है, देखिए आगे की कहानी कैसे पूरी करेंगे। अब यहां पे हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि P बराबर होता है 2 क्यू एल, P बराबर क्या होता है 2 क्यू एल, इसलिए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, भी नेट बराबर क्या होगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाई आर स्क्वायर। बहुत ही सुंदर सा रिजल्ट हमें मिल गया, भी नेट बराबर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाई आर स्क्वायर। देखिए ये था वैद्युत विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में, याद रखिएगा यहां पे मैंने जो बताया ये किस कंडीशन में है, ये अच्छी स्थिति में है, इसको आप जरूर नोट कर लेंगे, ये अच्छी स्थिति में है, ठीक। तो ये अच्छी स्थिति में फार्मूला हमें क्या मिलता है, भी नेट बराबर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाई आर स्क्वायर, ठीक नोट कर लेंगे।
पढ़ा अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव, अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का मान कैसे ज्ञात करते हैं यह भी हमने देखा। अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे, हेडिंग लगाइएगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, ठीक हेडिंग बनाएंगे। चलिए हेडिंग हो गया, हेडिंग बना लेंगे आप लोग। चलिए देखते हैं हम लोग की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग क्या बनाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। ये वैद्युत द्विध्रुव कैसे बनता है, ये मान लो ए है और यहां पर बी है, यहां पे माइनस क्यू लिखते हैं और यहां पे प्लस क्यू लिखते हैं। और यदि यह व्यवस्था अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। हम आपको कई बार सिखा चुके हैं कि दो समान परंतु विपरीत आवेश यदि अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होती है तो इस प्रकार की जो व्यवस्था बनकर तैयार होगी उस व्यवस्था को हम लोग बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव। चलिए इसका मध्य बिंदु हम लोग बना लेते हैं। देखिए मध्य बिंदु यहां पर हम लोग लेट कर लेते हैं ओ। यदि ये मध्य बिंदु ओ है तो यहां से दिखेगा मध्य बिंदु से आर दूरी पर कोई बिंदु पी लेट कर लेते हैं, ठीक है। मध्य बिंदु से आर दूरी पर कोई बिंदु पी लेट कर लेते हैं, इसी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, विभव फाइंड करना है, ठीक। चलिए तो इस तरह से हमारा एक फिगर बन जाएगा। हमने पहले क्या बनाया, वैद्युत द्विध्रुव, माइनस क्यू प्लस क्यू, इसका मध्य बिंदु हमने लेट कर लिया ओ, मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी लिया। अब इसी पी बिंदु पर हमें विभव फाइंड करना है, ठीक। चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग पी पर विभव। तो सबसे पहले इसमें आप क्या लिखेंगे, कहानी लिखेंगे, कथन लिखेंगे, तो बता रहे हैं कैसे लिखेंगे हम लोग। यहां पर सबसे पहले आप लोग लिखेंगे माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिसका मध्य बिंदु ओ है, जिसका मध्य बिंदु ओ है, बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर, बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है। यहां तक हम लोग लिखेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे अतः। अब आगे देखते हैं, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे यहां पे, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव। ये प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव क्या होगा, प्लस क्यू के कारण यदि बिंदु पी पर विभव निकालते हैं तो यहां पर हमें भी वन बराबर मिलेगा, क्या मिलेगा, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू प्लस क्यू डिवाइड बाई क्या है, बीपी है, बीच की दूरी कितनी है, बीपी। देखिए ये यदि आप दूरी फाइंड करेंगे तो ये स्मॉल एल ये हो जाएगा और इधर भी स्मॉल एल ये हो जाएगा, तो यहाँ से जो दूरी होती है फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक। वैसे हमें दूरी की आवश्यकता नहीं है इसीलिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो भी वन बराबर ये हमें मिल जाएगा और इसको बना लेंगे समीकरण नंबर एक, ठीक। इतना तो कर ही सकते हम लोग। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, चलो ये मिल गया तथा अब हम लोग लिखते हैं प्लस क्यू के कारण, किसके कारण लिखते हैं, प्लस क्यू के कारण। ये प्लस क्यू के कारण यदि लिखेंगे तो क्या होगा, प्लस क्यू के कारण कहां पर निकालेंगे, बिंदु पी पे, कारण बिंदु पी पर विभव। ये प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर यदि विभव फाइंड करेंगे तो यहां से लिख सकते हैं वी टू बराबर वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
ठीक है, यहाँ पर माइनस क्यू के कारण यदि लिखेंगे, सॉरी प्लस की जगह यहाँ पे माइनस रहेगा, माइनस क्यू के कारण, क्योंकि यहाँ पर प्लस वाला पहले लिख चुके हैं। तो देखिए माइनस क्यू के कारण यदि लिखेंगे तो यहाँ पर हम लोग चिन्ह भी लगाएंगे, तो चिन्ह लगाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो क्यों भाई, देखिए इसके बीच की दूरी कितनी है एपी, इसके बीच की दूरी कितनी है एपी, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे एपी और ये हो जाएगा समीकरण नंबर दो। ठीक है, प्लस क्यू के कारण आपको मिल गया विभव 1/4πε0 × q/vp, इसको बना लिया हमने समीकरण नंबर एक। फिर हमने क्या देखा, माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव, तो वी टू बराबर हमने लिखा माइनस 1/4πε0 × q/vp। देखो माइनस इसलिए लिखा क्योंकि ये अदिश राशि है, तो यहाँ पर चिन्ह से एक मान रखेंगे और यहाँ पर माइनस के कारण माइनस आ जाएगा और इसे बना लेंगे समीकरण नंबर दो। अब क्या करेंगे, अब देखिए बिंदु पी पर, अतः बिंदु पी पर नेट विभव, देखिए बिंदु पी पर नेट विभव कितना होगा, तो हम लोग भी नेट बराबर फाइंड कर लेते हैं। तो भी नेट बराबर यदि फाइंड करेंगे तो हम लोग क्या कर देंगे, भी वन प्लस भी टू एड, यानी समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ देंगे। तो देखिए क्या मिलेगा, 1/4πε0 × q/vp। देखिए यहां पे माइनस है तो चिन्ह सहित रखें तो माइनस मिलेगा 1/4πε0 × q/vp। ठीक, ये हो गया है, रफ कर दें। चलिए आइए आगे देखिए, यहां पर जो हमें एपी और बीपी लिखा हुआ है, यहां पर एपी बराबर क्या जानते हैं हम लोग, बीपी। तो एपी बराबर यदि बीपी हो जाएगा तो एपी के स्थान पर हम लोग बीपी रख लेते हैं, इसलिए भी नेट बराबर 1/4πε0 × q/vp माइनस 1/4πε0 × कितना लिखेंगे हम लोग, q/vp। तो देखिए यहां पे vp हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों वैल्यू सेम है, एक प्लस और एक माइनस है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहां पर हमें भी नेट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, शून्य। तो याद रखिएगा निरक्षी स्थिति में, निरक्षी स्थिति में हमेशा आपको क्या मिलेगा, वैद्युत विभव का मान शून्य मिलेगा। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, निरक्षी स्थिति में क्या होता है, विभव का मान शून्य होता है। ठीक, नोट कर लीजिए। हेडिंग बनाएंगे आप लोग, वैद्युत विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव, वैद्युत विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। देखिए अब हम लोग किसी भी बिंदु पर यदि वैद्युत विभव फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है आइए देखते हैं। ये सबसे पहले यहां पर हम लोग फिगर देख लेते हैं, ये बन गया, ये पॉइंट है ए और हमने बिंदु बी ले लिया और यहाँ पर माइनस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू लिया। ठीक, तो ये सिस्टम बन गया हमारा वैद्युत विध्रुव। ठीक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसका यदि मध्य बिंदु ओ लेट कर लेते हैं तो यहाँ से आधी दूरी एल हो जाएगी, यदि मध्य बिंदु ओ है तो आधी दूरी एल और यहाँ पे ये शेष आधी दूरी एल हो जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा यदि हम लोग कोई भी बिंदु पी यहाँ पे लेट किए हैं तो देखिए यहां से कुछ इस तरह से ये है, इस तरह से। देखिए यहां इसी बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, निकालना है विभव और ये एंगल यहां पर थीटा बन रहा है, यहां पर एंगल कितना है थीटा और ये दूरी लेट कर लेते हैं ये R2 है और ये R1 है और ये R है, मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर है बिंदु P, आर दूरी पर। तो इस तरह से कुछ आपको दिख रहा है,
इसको यहाँ पे बनाइए तो अच्छा थोड़ा। चलिए देखिए ये एल ये भी एल ठीक। अब देखिए यदि यहाँ पर आपको कहानी टाइप लिखना होगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिसका मध्य बिंदु ओ है, बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करनी है, जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु पी पर हमें यदि वैद्युत विभव ज्ञात करना है तो हम लोग देखिए कैसे फाइंड करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले यहां पर देखिए हम लोग इसको बनाते हैं, क्या बनाएंगे पहले तो आइए हमें दूरी प्राप्त होनी चाहिए कि यहां से लेकर के यहां तक ये दूरी है कितनी आर के टर्म में, आर टू के टर्म में नहीं, ये आर टू आपको नहीं दिया होगा क्वेश्चन में, आपको क्या दिया होगा इसके मध्य बिंदु से पी के बीच की दूरी देगा। ठीक, तो ये दूरी हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो देखिए ये दूरी कैसे फाइंड करेंगे, तो यहां पर इस लाइन को हम लोग आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक इस तरह से, और यहां पर इस तरह से लंब डाल देते हैं, इसको पीछे की तरफ लाते हैं और इस पर यहां पर लंब डालते हैं और इसको लिख लेते हैं सी, यहां बिंदु लिख लेते हैं सी। ठीक, ये देखिए थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा तो ये भी थीटा, और देखिए इसकी लंबाई यहां से यहां तक कितनी है एल, यहां पर ये जो लंबाई दिख रही है वो कितनी है एल है, यहां से यहां तक एल है। यदि इसका हम वियोजन करेंगे तो ये जो लंबाई मिलेगी यहां से यहां तक ये वाली, देखिए थीटा की तरफ एल को तोड़ेंगे तो ये एल कॉस थीटा देगा, थीटा की तरफ तोड़ेंगे तो ये क्या देगा एल कॉस थीटा, तो ये आपको मिल जाएगा ओसी की लंबाई, ये कितना मिलेगा ओसी की लंबाई मिलेगा। तो हम लोग यदि हम लोग एपी के बराबर फाइंड करेंगे तो ये सीपी के बराबर होगा, ध्यान से देखिएगा इसको, ध्यान से समझेंगे तभी आएगा। ठीक है, यहां पर यदि एपी की लंबाई हम लोग देखेंगे तो ये किसके बराबर होगा सीपी की लंबाई के बराबर, ठीक ये सीपी की लंबाई के बराबर होगा। ठीक है, चलो अब हमें ये मिल गया कि एपी की लंबाई आर टू बराबर क्या रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं यहां बिंदु ओ से आर दूरी पर एपी है तो यहां से यहां तक आर है और ये वाली दूरी कितनी है एल कॉस थीटा, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी आर प्लस एल कॉस थीटा हो जाएगी। ठीक, अब ये यहां से हम लोग यदि लंब डालें इस वाले पर तो यहां से ये लंब डालेंगे तो ये कितना मिलेगा ये वाला, तो ये वाला मिलता है आपको एल कॉस थीटा, यहां से जो आपको ये मिलेगी वो कितनी मिलेगी एल कॉस थीटा मिलेगा। ठीक, यानी ये बिंदु डी यहां पर लेट कर लेते हैं तो जो हमारा ओडी होगा वो एल कॉस थीटा होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि देखिए यहां पे ये थीटा है और ये टोटल लंबाई एल है, यहां पर ये जो लंबाई दिखाई दे रही है ये कितनी है एल, एल लंबाई है, इस एल लंबाई को यदि इधर की तरफ तोड़ेंगे थीटा की तरफ तो एल कॉस थीटा देगा, तो यहां से ओडी की लंबाई हमें मिल जाएगी एल कॉस थीटा। चलिए यदि एल कॉस थीटा मिल गया तो ये जो डीपी है यानी पीडी के बीच की जो दूरी है वो किसके बराबर हो जाएगी बीपी के बराबर हो जाएगी, कैसे बराबर हो जाएगी, अब यहां पर हमें क्या करना चाहिए यदि एल कॉस थीटा को हटा दें ओपी में से तो ये हमें क्या देगा डीपी की लंबाई देगा, और यहां पर क्या करेंगे एल कॉस थीटा को यदि हम लोग किसमें ऐड कर दें ओपी में ऐड कर दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा एपी की लंबाई के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ आई, ध्यान से देखिएगा ये सी ओ की लंबाई एल कॉस थीटा है और यहां पर ओडी की लंबाई कितनी है एल कॉस थीटा, यहां पे एल का वियोजन किया गया क्योंकि ये थीटा है तो थीटा को कॉस के सॉरी ये यदि एल है तो एल को यदि थीटा की तरफ तोड़ेंगे तो एल कॉस थीटा, इसी प्रकार ये एल है एल को थीटा की तरफ तोड़ेंगे तो एल कॉस थीटा देगा, तो ये वाली जो एपी है वो किसके बराबर हो जाएगा सीपी के बराबर हो जाएगा। ठीक इसी तरह से जो डीपी है वो किसके बराबर हो जाएगा बीपी के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर हमें दोनों लंबाइयां पता चल गई और आवेश भी पता है तो हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं विभव फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो आप पूरी कहानी लिख लेंगे जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया आपको, तो यहां पर अब हम लोग क्या लिखेंगे चित्रानुसार, चित्रानुसार ये चित्रानुसार यदि हम लोग लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के
कारण बिंदु पी पर विभव। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज और सिखा दें, इससे पहले एक चीज और ध्यान दीजिएगा। यहां पे हम लोग ये लिख लेते हैं, चूंकि चित्र से यहां पर ध्यान दीजिएगा, एपी बराबर सीपी, एपी बराबर किसके हो जाएगा, सीपी के, और सीपी बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये आर है और ये एल कॉस थीटा, तो टोटल मिल जाएगा आर प्लस एल कॉस थीटा। ठीक, ये एपी बराबर सीपी बराबर आर प्लस एल कॉस थीटा तथा, और देखिए हमें क्या चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, बीपी की लंबाई चाहिए। तो देखिए बीपी की लंबाई बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीपी बराबर लिख सकते हैं यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर माइनस सॉरी बीपी बराबर किसके है, डीपी के बराबर आर माइनस एल कॉस थीटा। ठीक, बीपी बराबर डीपी और डीपी बराबर हो जाएगा आर माइनस एल कॉस थीटा। अब देखिए ये दोनों वैल्यू हमें मिल गई, तो हम अब क्या कर सकते हैं, यहां से मान निकाल सकते हैं, विभव निकाल सकते हैं पी पर। अतः अतः प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव। देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण यदि बिंदु पी पर विभव फाइंड करेंगे तो ये देखिए यहां से बीपी जो है इसके बीच की दूरी अभी हमने फाइंड किया ये कितनी है आर माइनस एल कॉस थीटा और आवेश क्यों है, तो वी वन बराबर क्या लिखा जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू प्लस क्यू डिवाइड बाय दूरी कितनी है आर माइनस एल कॉस थीटा और इसको हमने बीपी लिखा हुआ है। तो बीपी, अब चूंकि बीपी के बराबर कितना है आर माइनस एल कॉस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं या वी वन बराबर क्या हो जाएगा, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई आर माइनस एल कॉस थीटा। ठीक, और इसे बना लेंगे आप लोग समीकरण नंबर एक, इसे क्या बनाएंगे, समीकरण नंबर एक बना लेंगे। ठीक, चलिए आगे देखिए, यहां पर हो जाएगा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई आर माइनस एल कॉस थीटा और ये हो जाएगा समीकरण नंबर एक। आगे देखिएगा, अब ठीक इसी प्रकार यदि हम लोग किसके कारण निकालेंगे, माइनस क्यू के कारण निकालेंगे, कहां पर, पी पर, तो माइनस क्यू के कारण देखिए कितना मिलेगा, माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव। देखिए माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव क्या मिलेगा, माइनस क्यू के कारण यदि बिंदु पी पर विभव फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, देखिए चिन्ह माइनस है, माइनस क्यू के कारण है तो यहां पर माइनस लगा दीजिए, होल अपान एपी। ठीक, होल अपान एपी, अब एपी बराबर देखिए कितना है, एपी बराबर सीपी और सीपी के बराबर आर प्लस एल कॉस थीटा, तो यहां से हम लोग मार्क देते हैं एपी का बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई एपी का मान है आर प्लस एल कॉस थीटा, और इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर दो, और इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर दो। ये समीकरण नंबर दो हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, अब बिंदु पी पर नेट विभव फाइंड करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि विभव एक अदिश राशि है, जब कोई भी दो अदिश राशियां होती है तो उससे हम लोग डायरेक्ट जोड़ देते हैं, उसे हम लोग कैसे जोड़ते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो हम लोग लिखते हैं अतः बिंदु पी पर नेट विभव, अतः बिंदु पी पर नेट विभव, तो देखिए वी नेट बराबर क्या लिखा जाएगा, V1 प्लस V2, वी नेट बराबर क्या लिखा जाएगा, V1 प्लस V2। ठीक है, ये हो गया है, देखिए
चलिए देखिए, अब हम लोग V1 और V2 का मार्ग देखते हैं चिन्ह सहित। तो यहां से हमें मिलेगा Vnet बराबर कितना मिलेगा, 1/4πε0 × Q/r−L cos θ − 1/4πε0 × Q/r+L cos θ। ठीक, अब देखिए यहां पर जो वैल्यू कॉमन दिखाई दे रही है उसको कॉमन ले लीजिए। ठीक, तो भी नेट के बराबर देखो कॉमन कितना है, Q/4πε0 × अब देखिए ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/r−L cos θ −1/r+L cos θ। अब यहां पर एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं। देखिए एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, Q/4πε0 ब्रैकेट में r+L cos θ माइनस, इसको बुला कर रही माइनस और ये प्लस हो जाएगा, L cos θ होल अपान वर्गांतर का पद में लग जाएगा r²−L²cos²θ। ठीक, अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि r से r कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल r से स्मॉल r कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया है। चलिए देखिए अब यहां पर यदि r से r कैंसिल हो गया तो अब देखिए क्या बचा, यहां पर L cos θ + L cos θ कितना हो जाएगा, 2L cos θ, और बुला करा देते हैं तो भी नेट के बराबर क्या लिखा जाएगा, 1/4πε0 × 2QL cos θ होल अपान कितना है, r²−L²cos²θ। चूंकि यहां पर r > L cos θ इसलिए हम लोग इसको नगण्य मान करके क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। देखिए L cos थीटा r से बहुत छोटी वैल्यू है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटी वैल्यू मिलेगी, तो इसे नगण्य मान करके क्या करेंगे, इस वैल्यू को छोड़ देंगे। तो देखिए क्या प्राप्त होगा, V नेट बराबर 1/4πε0 × देखिए 2QL के बराबर लिख लेंगे P, तो यह हो जाएगा P cos θ बटे r²। तो ये बन जाएगा फॉर्मूला हमारा भी नेट का, भी नेट बराबर हमें क्या मिलेगा, 1/4πε0 × P cos θ / r². ये हमें फॉर्मूला मिल जाए। देखिए यदि हमें फॉर्मूला मिल गया है तो हम यहां पर चेक करेंगे कि यदि हम इसे अच्छी स्थिति में लाना चाहें तो अच्छी स्थिति का फॉर्मूला मिल जाता है क्या, और यदि निरक्षी स्थिति का फॉर्मूला लाना चाहें तो निरक्षी स्थिति के लिए हमें विभव क्या मिला था, वो कैसे प्राप्त करेंगे। तो आइए यहां पर देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या ये फॉर्मूला सत्य है। तो हम लोग हेडिंग बनाएंगे अब स्पेशल केस, ये फॉर्मूला यहां तक नोट कर लेंगे, यहां तक नोट कर लीजिएगा। अब हम यहां पर स्पेशल केस देख लेते हैं कुछ। देखिए स्पेशल केस में फर्स्ट वाले में हम लोग क्या लिखें, अच्छी स्थिति के लिए। तो देखिए अच्छी स्थिति के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये अच्छी स्थिति में कब होगा, जब थीटा का मान क्या लिखेंगे यहाँ पे, जीरो। जब थीटा का मान जीरो होगा अर्थात बिंदु P कहाँ चलाएगा, एक्स अक्ष पर। बिंदु P कहाँ चलाएगा जब थीटा मान जीरो होगा, तो एक्स अक्ष पर आ जाएगा। तो अच्छी स्थिति के लिए यहाँ पर थीटा बराबर क्या रखा जाएगा, 0°। इसलिए वहां पर रख दीजिए भी नेट बराबर 1/4πε0 × P cos 0 / r². बोलो का जीरो का मान कितना होता है, 1। तो यहां से हमें फार्मूला मिल जाएगा भी नेट बराबर 1/4πε0 × P/r². P/r² क्या यही होता है अच्छी स्थिति के लिए। अच्छी स्थिति के लिए आपने पढ़ा होगा फार्मूला होता है
ठीक इस तरह से इसको प्राप्त कर लेंगे। अब चेक करते हैं क्या निरक्षी स्थिति के लिए भी सत्य है, क्या ये निरक्षी स्थिति के लिए भी सत्य है, आइए देखते हैं। तो सेकेंड केस देखते हैं, देखिए सेकेंड निरक्षी स्थिति के लिए, निरक्षीय स्थिति के लिए, तो देखिए निरक्षी स्थिति के लिए क्या लिखा जाएगा, देखिए निरक्षी स्थिति तब उत्पन्न होता है जब x अक्ष के साथ बिंदु कितना एंगल बनाए 90 डिग्री, मतलब बिंदु P ऐसे स्थान पर हो जब जो x अक्ष के साथ कितना एंगल बनाता हो 90 डिग्री। तो यहां पर हम लोग थीटा बराबर कितना लिखेंगे 90 डिग्री, निरक्षी स्थिति के लिए थीटा बराबर 90 डिग्री, इसलिए भी नेट बराबर बोलो 1/4π0 × P cos 90/R2। अब ध्यान से देखिए यदि थीटा का मान 90 डिग्री रखें तो cos 90 की वैल्यू आप जानते हैं शून्य होता है, यदि यहां पे cos 90 का मान शून्य होगा तो जीरो में किसी भी संख्या का गुणा कराएंगे ये क्या देगा शून्य देगा, तो भी नेट बराबर क्या मिलेगा यहां पे जीरो मिलेगा। क्या आपने अभी पढ़ा था निरक्षी स्थिति में, निरक्षी स्थिति में विभव का मान शून्य होता है, ठीक। तो यहां से प्रूव भी हो गया कि निरक्षी स्थिति के लिए भी नेट बराबर क्या होगा जीरो। तो ठीक इसी तरह से थीटा का कोई भी मान लेकर, थीटा का कोई भी मान लेकर के आप विभव फाइंड कर सकते हैं किसी भी बिंदु पर। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मदद से आप किसी भी बिंदु पर विभव फाइंड कर सकते हैं, ठीक। थैंक यू।